सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर शामिल करते हैं कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर से। एक और कत्ल होने से बच गया। उजरती कातिल राजा माजद बदनाम ज़माना मंशात फरोश और डकैत है। ज़ोफ़रान राजा के कत्ल मंसूबे का मरकज़ी मुलज़म भी है। एसएचओ अदनान साबिर ने गिरफ्तार कर लिया। जान से मारने की वजह घरेली तनाज़ा साबका रंजश। 4 लाख रुपए एडवांस में सौदा तय पाया। ज़ाफ़रान को पेट के निचले हिस्से में गोलियां मारनी थी। माजद राजा ने रकम वसूल की। दोनों की व्हाट्सएप गुफ्तगू भी सामने आ गई जिसमें जुनेद और माजद आपस में बात कर रहे हैं। माजद को जुनेद कहता है कि पेट के नीचे गोलियां मारनी हैं, जिस पर माजद कहता है अगर मर गया तो उससे आगे से जुनेद कहता है और अच्छा मरने दो। घर से बाहर मारने की डील हुई। पुलिस थाना डडियाल की बड़ी कार्रवाई। ब्रिटिश तारकिन वतन राजा ज़ोफ़रान साकना रुजुआ कुछ दिन पहले इंग्लैंड से अपने वतन डडियाल आमद के मौका पर इंग्लैंड में मुकीम रिश्तेदार राजा जुनेद वल्द राजा अल्ताफ साकना रुजुआ हाल मुकीम इंग्लैंड राशिद वल्द मोहब्बत कुम राजपूत साकना बरोटियाँ तहसील सैनसा हाल मुकीम इंग्लैंड ने कत्ल की साजिश तैयार करके उजरती कातिल जिनमें राजा माजद वल्द राजा लियाकत कुम राजपूत साकना डूंगी नड़ोची तहसील सैनसा ज़िला कोटली नदीम वल्द अदालत कुम जाट साकना नड़ोची ज़िला कोटली शकील वल्द चौधरी वादी खान कुम जाट साकना 18 तहसील डडियाल ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर ने राजा ज़ोफ़रान को कत्ल करने का मनसूबा बनाया। जिसकी इतला डडियाल पुलिस को हुई तो डीएसपी चौधरी अंसर अली की निगरानी में एसएचओ थाना डडियाल अदनान साबिन ने हमरा नफरी मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर कत्ल का मंसूबा बनाने वाले तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा जेर दफात 120 115 120 बी के मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी।